हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाय पीने से हमारे शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में। चाय पीने के नुकसान से ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। दुनिया भर के देशों में मौजूद सभी पेय पदार्थ में चाय सबसे अधिक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। आज से 200 साल पहले चाय हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। चाय को न कभी किसी घर में पी जाती थी, न कभी बनाई जाती थी। फिर अंग्रेज हमारे देशों में आए, वह चाय को हमारे देश में लेकर आए और फिर यह धीरे धीरे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई। आज आप कहीं भी जाइए, मेहमानों को सबसे पहले चाय दी जाती है। अब तो चाय पीने की लोगों ने आदत सी बना ली है। दोस्तों ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, जबकि कुछ लोग दिमाग को अधिक सक्रिय रखने के लिए चाय पीते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। शायद यही कारण से लोगों को बहुत अधिक चाय पीने की लत लग जाती है, जिसे उन्हें अंदाजा भी नहीं रहता है कि वे दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं। अगर आप भी चाय के दीवाने हैं तो सावधान हो जाए। दिल को तसल्ली देने वाली चाय का कप आपकी सेहत को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। चाय की जूस की अगर सीमित मात्रा में ली जाए तो आपके शरीर में ताजगी भर सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चाय पीने के भी अपने नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर को कौन कौन से नुकसान होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पढ़ाई और काम के दौरान नींद या सुस्ती आने पर लोग चाय पीते हैं। इससे उस वक्त तो नींद नहीं आती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चाय पीने से आपको परमानेंट नींद न आने की समस्या हो सकती है। चाय में कैफीन होता है जो दिमाग को सक्रिय करके नींद गायब कर देता है। दोस्तों एक कप चाय में 14 से 60 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करता है। हम में से कई लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जो हमारे पाचन क्रिया के लिए सहायक होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूस के निकलने की प्रोसेसिंग को बंद कर देता है, जिससे हमारे पेट में गैस बनने लगती है और पाचन तंत्र भी ठीक से काम नहीं करता है और इसके चलते आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है, जिससे आपको बेचैनी, किसी काम में मन न लगना, पेट भारी लगना जैसी कई समस्या पैदा हो जाती है। तो दोस्तों आज ही खाली पेट चाय पीना बंद कर दीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। चाय में टैनिक एसिड होता है। यह टैनिक एसिड आपके खाने में मौजूद आयरन, जो कि आपकी बॉडी को मिलना चाहिए, उसे वहां से लेकर अपने साथ बाइंड कर लेता है, जिससे आपके शरीर में धीरे धीरे आयरन कम होने लगता है और आप एनीमिक हो जाते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं होगा तो पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिक मात्रा में चाय पीने के कारण स्केलेटल फ्लोरोसिस की समस्या हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों में दर्द होने लगता है और हड्डियों से जुड़ी अलग अलग बीमारियां होने लगती है। दोस्तों दिन में 2 कप से ज्यादा चाय पीने से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है और आगे चलकर आपको ऑस्टियोफ्लोरोसिस भी हो सकता है। हम में से कई लोग डेली चाय पीते हैं, लेकिन कुछ ही जानते हैं कि चाय पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। चाय में कैफीन मौजूद होता है और इसमें कॉफी से भी ज्यादा कैफीन पाया जाता है। चाय में कैफीन होने के कारण हम जो भी खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, कैफीन भोजन के पोषक तत्व और शरीर से पानी को पूरी तरीके से अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण शरीर में धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होने लगती है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम थके होते हैं तब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, पर हम उस वक्त चाय पी लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होती है और हम पानी नहीं पीते हैं, पर इसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। हमारे देश में मिल्क वाली चाय पी जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी भी डालते हैं, मगर दोस्तों एक कप चाय में 40 से 50 कैलोरीज होती है, जो कि हमारी बॉडी में चली जाती है। अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पी ले तो आपके बॉडी में 250 से 300 कैलोरीज चली जाएगी। इससे पहली चीज यह होगी कि आपके शरीर का मोटापा बढ़ेगा और दूसरी चीज यह होगी कि आपका फ्यूचर में डायबिटीज होने का खतरा पूरा बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपका मन करे तो दिन भर में केवल 1 कप चाय पिए। गर्भावस्था में गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए चाय में मौजूद कैफीन हानिकारक होती है और गर्भावस्था के दौरान अधिक चाय पीने से गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि गर्भावस्था के पहले 3 माह चाय और कॉफी से परहेज करें। दोस्तों अगर आपको चाय पीनी है तो आप ग्रीन टी पिए, हर्बल टी पिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।